हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता टावरी अपने यूट्यूब चैनल इट्स ऑल अबाउट बीइंग पैशनेट में आपका स्वागत करती हूँ। जन्माष्टमी आ रही है और कृष्ण भगवान को धनिया की पंजीरी बहुत पसंद है। धनिया की पंजीरी बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस होती है। इसे आप व्रत में फलाहार जैसे भी खा सकते हैं। तो चलिए आज हम बनाएंगे धनिया की पंजीरी कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1/2 किलो धनिया लिया है। अब मैं इसे सेक लूँगी। इसे हमें धीमी गैस पे हल्का गुलाबी होने तक सेकना है। दो तीन मिनट में ये सिक जाएगा। देखिए मेरा सिकने लग गया है, इसमें अच्छी खुशबू आने लगी है। 3 मिनट करीबन हो गए हैं। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने के बाद में हम इसे पीस लेंगे। जब तक मेरा धनिया ठंडा हो रहा है तब तक हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे। घी अब इसमें मैं ये दाल मखाने डालूंगी और इसे अच्छे से हम सेक लेंगे। दाल मखाने बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसे घी में अच्छे से रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके अंदर की जो सॉफ्टनेस है वो कम हो जाए, ताकि वो एकदम क्रंची हो जाए। ये हमारे दाल मखाने सिक गए हैं, देखिए गुलाबी गुलाबी कलर के हो गए हैं ये। अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब इसमें मैं वापस थोड़ा घी डालूँगी और इसमें हम थोड़े से जो काजू हमने निकाले थे उसे तल लेंगे। इसी में मैं थोड़े से बादाम भी डाल दूँगी। लाइट गोल्डन कलर के हो जाए जब तक हमें इसे सेकना है। ये देखिए हल्के हल्के गोल्डन कलर के काजू होने लगे हैं। अब मैं इसमें किशमिश डाल दूंगी। किशमिश बहुत जल्दी सीख जाती है इसलिए हम इसे एकदम लास्ट में डालेंगे। अब मैं इसे निकाल लूंगी। अब ये दाल मखानों को मैं थोड़ा थोड़ा फोड़ लूंगी। इसी तरह मैं बादाम के और काजू के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लूंगी। आप चाहें तो इन्हें हाथ से भी काट सकते हैं। ये मैंने थोड़ी सी अजवाइन ली है, इसे भी हम थोड़ा सा घी में सेक लेंगे। कढ़ाई में मैंने थोड़ा घी डाला है। अब इसमें थोड़ा कसा हुआ सूखा नारियल डालेंगे और उसे अच्छे से भून लेंगे ताकि उसके अंदर का कच्चापन निकल जाए। अभी मैं ये धनिया डाल दूंगी और इसे मिलाएंगे अच्छे से। अब इसमें मैं 2 चम्मच घी डालूंगी। Thank you.
और अच्छे से सेक लूँगी। हमने पहले ही धनिया सेक लिया था तो इसे बहुत देर नहीं सेकना है, बस इसमें जब तक जैसे ही इसमें खुशबू आएगी हमें गैस बंद कर देंगे। के सिकने की भीनी भीनी खुशबू आ रही है, अब हमारी पंजीरी तैयार हो गई है। मैं गैस बंद कर दूंगी और ठंडा होने के बाद में हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। हमारी पंजीरी एकदम अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इसमें मैं खोपरा, काजू, दाल मखाना सारा डालूंगी। कितना आसान था, आप इसे ज़रूर बनाएं। अभी जन्माष्टमी आ रही है, आप इसे ज़रूर बनाएं, भगवान को भोग लगाएं। और ये प्रसाद कैसा बना इसकी फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय।